गुलबर्गा शहर के न्यू वार्ड नंबर 3 मिल्लत नगर बंदानवाज मस्जिद के सदर जनाब अब्दुल करीम को आने वाले कॉरपोरेशन इलेक्शन के लिए उम्मीदवार बनाने की ख्वाहिश को लेकर मोहल्ले के कुछ जिम्मेदारों ने हंगामी तौर पर अब्दुल करीम को कैंडिडेट बनाकर जिताने की ख्वाहिश करते नजर आए हैं। तमाम मोहल्ले के जिम्मेदारों ने कहा, अब्दुल करीम पिछले कई सालों से मिल्लत नगर में आवाम के मुख्तलिफ मसाइल को बड़े ही संजीदगी से हल करते आ रहे हैं। नौजवानों और बुजुर्गों की ये ख्वाहिश है, अब्दुल करीम अगर कॉरपोरेशन इलेक्शन में जीत कर आएंगे तो मिल्लत नगर में काफ़ी डेवलपमेंट हो सकता है। तमाम लोगों ने जनाब अब्दुल करीम को इलेक्शन में सपोर्ट करने का भरोसा दिलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद बंदा नवाज़ के सदर साहब आली जनाब अब्दुल करीम साहब, काफ़ी सालों से हम इनके खिदमात को जानते हैं और इनके कोशिशों को जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह जो भी महल्ले के मसले मसाइल हो, चाहे ख़वातीन के मसाइल हो या कोई लड़ाई झगड़े वाला मामला हो या पुलिस स्टेशन तक जाने वाला मामला हो, ये बखूबी अच्छे अंदाज से इस मसले को हल करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी जानिब से और इसी खुशी से हमें यह खुशी की मसरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब्दुल करीम भाई, इनको हम अपने तरफ से बल्कि तमाम मोहल्ले वाले नौजवान बुज़ुर्ग हस्ती और यहाँ पर जितने भी हाजिरन हैं, हम बखुशी इनको खड़े कर रहे हैं ताकि एक अच्छा हमारे अंदर एक रहनुमा हो, हमारी रहनुमाई करने वाला हो, हमारे मसलों को ये हल करने वाला हो। ताकि छोटे छोटे मसाइल होते हैं लेकिन जब पुलिस स्टेशन जाते हैं या कि और गैरों के हवाले जाते हैं तो ये मसला बहुत बड़ा हो जाता है। तो इसलिए 2-3 साल से इनकी खिदमात तो हम इसरार हम देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह इनके बेहतरीन खिदमात हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है कि जब इनको एक ओहदा मिलेगा, एक पोस्ट मिलेंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बखूबी इस चीज़ों को ये अंजाम देते रहेंगे। तो यकीनन हमारी इसी में खुशी है कि इनको है ना किसी तरह से भी इस हवाले से सीट दिया जाए और ताकि हमारे जो भी मसले मसाले हैं ये हल हो सके, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर किसी को एक बड़ा नहीं करते उस वक्त तक हमारी ये कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। तो यकीनन इनके खिदमात को हम देख रहे हैं कि जो भी बड़े बड़े मसाइल होते हैं या छोटे होते हैं या दरमियानी होते हैं, ये मसलों को बखूबी और अच्छे अंदाज से और ये हक का फैसला करते हैं। तो यकीनन हमारी ये खुशी है और हम मोहल्ले वालों की तरफ से अब्दुल करीम साहब इनको हम है ना किसी तरह से भी आगे बढ़ा रहे हैं और ये हमारे दिली ख्वाहिश चाहते हैं कि अल्लाह इनकी उम्र दराज अता फरमाए और एक अच्छे मकसद में और नेक काम में अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। हमारे मस्जिद के सदर साहब अब्दुल करीम साहब इससे पहले जो भी मस्जिद में तनह से होते रहते थे, एक को नहीं बल्कि अब्दुल करीम साहब को जो यहाँ सदर बना है, जब से मस्जिद के ताल्लुक से, कारोबार के ताल्लुक से, मस्जिद के तामीर के ताल्लुक से कोई चीज़ का भी कोई लफड़ा नहीं हुआ और कोई झगड़े फिसाद भी नहीं हुए। यहाँ छोटे छोटे जो भी मसले हैं, पानी का मसला है और खवाजिन का मसला है, हर एक चीज़ उन्हों अपने जानिब से अच्छी तरीके से सबको समझा बुझा कर हर छोटे बड़े फैसले करते हैं। इससे हम तमाम लोगों की ख्वाहिश है और हमारी भी ख्वाहिश है कि ऐसे लोग, ऐसे नुमाइंदे या महल्ले के तरफ से हमें चुनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिल्लत नगर वार्ड नंबर 3 से हमारे बंदेनाथ मस्जिद के सदर साहब हैं। हमारे पूरे मोहल्ले की ख्वाहिश है कि हमारे सदर साहब यहाँ पर ठहरेंगे और इंशाल्लाह उनको हम जिताएंगे और यहाँ पे जो भी मसले मसाइल रहते हैं हमारे सदर साहब बाखूबी आके जो है ना उसको हल करते हैं। अरे अब्दुल करीम साहब मस्जिद बंदेनाथ के सदर जब से बने हैं और मोहल्ले के भी सदर हैं इंशाल्लाह, उन्हों जब से हमारी खिदमत करते हुए आ रहे हैं, अब मोहल्ले वालों के पूरे जनों की ये ख्वाहिश है सिटी कॉरपोरेशन इलेक्शन में जनाब अब्दुल करीम साहब को पूरे मोहल्ले का इरादा है, मेरा एक नहीं बल्कि पूरे मोहल्ले के लोगों का इरादा है कि भाई कि हम इन नुमाइंदों को ठहरा करने का इरादा है। कोई पार्टी टिकट जन दे या मत जन दे, हम उनको इंडिपेंडेंट से ठहरा करके जिताएंगे इंशाल्लाह। और लाइट का मसला, नाली का मसला, रोड का मसला, जो भी मसला है उन्होंने बेचारे आके हमारे से इतनी मदद करते हैं। कम से कम 2-3 साल हुआ सदर बन के, जब से हमारी नुमाइंदगी कर रहे हैं उन्होंने, हमारी मदद कर रहे हैं उन्होंने, हमारी खिदमत कर रहे हैं उन्होंने, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और इंशाल्लाह आगे भी ये अब इरादा है उनका, हमारे पूरे लोगों का, मोहल्ले के मिल्लत नगर के पूरे तमाम लोगों का इरादा यह है कि भाई इन्हें को ठहरा करके सिटी कॉरपोरेशन इलेक्शन में
एक नुमाइंदा चुना के भेजने का हमारा इरादा है। करीम भैया हमारे को हर चीज़ से सपोर्ट कर रहे हैं और हम उनको इंशाल्लाह हम उनको इसमें ठहरने के वास्ते इलेक्शन में ठहरावर का हम उनको उनके साथ देते हैं। करीम हमारा बच्चा है, मिल्लत नगर बंदा नवाज की मस्जिद के सदर है। उन्होंने मस्जिद को जब से मस्जिद बहुत फार्म पोई है और उनको वोटिंग में जिताना है, हम सब भी मिलकर उनको साथ देना है, पूरे एरिया की खिदमत करें। हम लोगों को कुछ हुआ भी तो हमारा साथ देते हैं उन्होंने, लॉकडाउन में बहुत साथ दिया, बहुत मदद करते हैं उन्होंने, और सब मिलकर उनको जिताना है, वोटिंग में उनको लाकर यहाँ ठहरा करना है। तमाम महिला वाले से गुजारिश है मेरी, हमारे मस्जिद के सदर साहब को इलेक्शन में ठहरा करने के लिए तमाम महिला वाले से भी, हमारे मस्जिद कमेटी तरफ से भी, जो भी है हम ठहरा करना बोल को एक इत्तेदा किया है। तमाम महिला वाले हमारे सदर साहब को जिता करके कामयाब कर दिए, क्योंकि उन्होंने हमारे ज़बरदस्ती से ठहरा कर रहे हैं। महिला में हर चीज़ तरक्की होना, हर चीज़ किसी की मदद, किसी की परेशानी दूर करना, क्या भी हो, हर एक मुसीबत जो भी आती है उसके लिए मसले हल करने के लिए हमारे सदर साहब की एक कामयाब है। और तमाम हमारे जो भी महिला वाले, तमाम हमारे सदर साहब को वोट डालकर जीता के लाइए। तीन चार साल से हमारे करीम भाई सदर साहब है मस्जिद के और इनको हम ठहराना चाह रहे, इनको जीता के लाना। तो ये महीने में हमारे सदर साहब आए, आए जब से आए महिला हमारा बहुत सुकून में है। क्या भी हो दे किधर भी होंदे बुलाए तो फौरन आती हूँ। अब क्या है हर चीज भी क्या है उनको हम डालेंगे, उनको क्या है जीतेंगे हम। अब उनके ऊपर हमारा भरोसा है, हमारे ऊपर क्या है उनका भी भरोसा है। उनको कोशिश करेंगे और उनको बड़े भी मनाएंगे, उनको और जीत को भी लेंगे।